जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। हर इंसान का एक सपना होता है, उसका एक अपना घर, जिसको वो अपने हिसाब से सजाए संवारे, वो उसकी कोशिश रहती है। घर बन जाता है, घर के अंदर डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर वो भूल जाते हैं कि हमारे घर के अंदर क्या नेगेटिव एनर्जी आ गई है और क्या पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। तो इस एनर्जी को हम कैसे पता करें? आपके घर के अंदर सब कुछ बहुत खुशनुमा चल रहा था, माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से बीमारी ने घर करना शुरू कर दिया, अचानक बिजनेस लॉसेस होने शुरू हो गए, बच्चे का रिश्ता किया और बच्चे का रिश्ता टूट गया, या डिवोर्स केस होने शुरू हो गए, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर जो एक मधुरता थी वो मधुरता ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो ये कैसे जाने कि हमारे घर के अंदर सब कुछ होते हुए भी फिर क्या वजह हो गई है, किस वजह से हमारे घर के अंदर ये टेंशन आ गई है? कई बार ऐसे होते हैं, कुछ इंसान हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, होते वो दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कईयों की नज़र ऐसी होती है कि वो नज़र, जिसे कहते हैं ना, नज़र लग जाती है। ओ, आपका घर तो बहुत सुंदर है, आपने ये बहुत अच्छा किया है, ये डिज़ाइनिंग तो बहुत अच्छी है, तो इस ये जो होती है ना, ये भी नज़र लग जाती है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे घर को नज़र लगी है, मतलब हमारे घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है? तो उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बताने के लिए आई हूँ। आप इसको करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक हफ्ते के अंदर ही कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। गुड़हैल का फूल, गुड़हैल का पौधा, जिसके अंदर आपने देखा होगा लाल रंग के फ्लावर आते हैं जो देवी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसको गुड़हैल भी बोलते हैं, गुड़हैल भी बोलते हैं, तो इसका पौधा आपने लेना है। मगर ये जो गुड़हैल का पौधा लेना है, ये आपने लेना है वाइट कलर के फूल वाला लेना है, और वाइट अगर नहीं मिलता है तो रेड कलर के फूल का भी आप ले सकते हैं। ये पौधा लेना है आपने शुक्ल पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर किसी भी दिन हो मगर शुक्ल पक्ष चल रहा चाहिए। शुक्ल पक्ष के अंदर आपने अपने घर के साउथ में या वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा के अंदर आपने इस पौधे को रख दीजिए। एक हफ्ते उसकी मतलब सेवा करिए, जल वगैरह ज़रूर चढ़ाइए उसके अंदर, और आप नोटिस करिए अगर वो पौधा आपके घर में सूख जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपके घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है। तो ये चेक करिए, अगर वो पौधा बिल्कुल ठीक रहता है तो आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, सुख शांति समृद्धि है। तो आप ये करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी बहुत ज्ञानवर्धक बातों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।